के लिए क्या वजह हो सकते हैं? गुंडों ने अलग शहर के नाम लिया है, लेकिन मुझे मारने में इनको क्या फायदा है? शरद सर, क्यों ऐसे उदास लग रहे हैं? तो मुझे कैसे देख रहा? तुझे नहीं मालूम है क्या, मुझे पसंद है सबसे ज्यादा। तुम्हारे पापा को ये बात मालूम है? मालूम है, वक्त आने पर पापा तुझसे बात करने को कहा। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। शरद, तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं उनको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तू सिर्फ मेरी फ्रेंड है। वो जिंदा मेरे सामने आके पूछ रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है कि किसने उसके पीछे गुंडे लगवाए। अगर पैसे ले लिए हैं तो काम को भी अंजाम देना चाहिए, समझ गए? उसे शहर से भगाने के लिए ही मैंने तुम्हें पैसे दिए, किसी भी तरह भगाने के लिए पैसे दिए, न कि उसके हाथ से मार खाकर भागने के लिए तुम्हें पैसे दिए। मैंने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है क्या? हाँ, किसी भी तरह शरद को कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रखना होगा, यही चाहता हूँ मैं। हाँ भाई, कम से कम मेरी बेटी की शादी होने तक। हाँ, अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बेटी को शक हो जाएगा ना। देखो, मुझे मेरी बेटी का भविष्य ही सब कुछ है। हाँ, Happy birthday to you. जो बोला तुम्हें याद है ना? लगता है पापा को बुरा हो गया। जरूर जरूर तकलीफ होगी। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? किससे? उसी से, उस शरद से। डैडी, वो क्या तुम्हें वो पसंद है? ओ डैडी, मगर ये बात शरद को नहीं मालूम। कर, तुम उसे बात मत करना। तुम्हारे लिए मैं खुद शरद से बात करूंगा आज। मेरी बेटी की जिंदगी बचाना मेरा फर्ज जो है। रट, अगर तुमसे नहीं होगा तो बोलो, बाकी के काम मैं। I never expect this from you, Daddy. Oh, Betty, Betty. अगर शरद को पसंद है तो अलग से ऐसे मैं बात करती हूँ। मेरी उंगलियों को पकड़ के वो पीछे आए, उनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उनकी जात, उनकी दौलत, अलग सर इनको नहीं मानेगा। एक अच्छा सा लड़का उनको मिल जाएगा,
मैं कल गांव जा रहा हूँ। आप फिकर मत करना सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन मुझे सर मत बुलाना, ऐसे आप बुलाए तो मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत ही दुख पहुंचने वाले बातें मेरी मन में भी हैं, उन सबको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। मैं चलता हूँ, ड्रेसेस को पैक करना है। दीदी अब मैं चलती हूँ, मुझे अलग सर से बात करनी है। मम्मी चलती हूँ। बेचारा वो लड़का। हाँ मम्मा। दीदी आ गया तू, निकल यहां से। बेचारी बीमारी होके लेट गई, चुपके मेरा बीपी को ना बढ़ाना। मैंने तो बहुत दिन से देखभाल किया ना तुम लोगों को, तब वो बात पर मुझे चिंता नहीं था। तू कारण जानती हो क्या? अच्छी तरह बोए हुए 3 अनफोल्सा आम रहा इधर। देखो मेरे परिवार को सर्वनाश कर दिया तूने, 23 साल से मैं वो भोग रही हूँ। तेरे बच्चे जैसे देखने को बताया है ना, आप मुझसे नहीं होगा। मैं मेरे बच्चों को ये बात कहकर ही मैं मरूंगी। अच्छा तू जा, मैं तुझे देखना तक भी नहीं चाहती हूँ। ना जाने उस पूरे वक्त को मैं तुझे चाहने की वजह से अच्छी तरह भोगली मैंने, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को तू निकाल यहां से। मैं चलता हूं, पर तेरी पहली बेटी है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है, उसकी तो मैं चाहती हूँ। अबे मुतु तू यहाँ मत आ, यहाँ क्या काम है तेरा? तुझे एक मौका और देता हूँ, इस गांव से तुम निकल जाओ। ए, रास्ता छोड़। क्यों ये सबको नीचे फेंका है? मेरलिन, सब मेरी ही गलती थी, काश मैं तुम्हारा और अपने बच्चों का ख्याल रखा होता। मुझे
क्षमा कर दो मेरलिन, इन सब की वजह मैं ही हूं। राघवा, मैंने जो गलती की उसे मैंने ही सुधार लिया फादर। खानदान को बर्बाद किया तूने और आज मेरी बेटी को। हाँ, तेरे खानदान को बर्बाद किया। हाँ मैंने किया। हाँ, जो मैं चाहता हूँ वो जरूर लेगा मैं। मावे सर, एक मिनट।
मुझे क्षमा करो बेटी। तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हारी होने वाली पत्नी है, इसका साथ मत छोड़ना बेटा। उस दिन मैं एक जानवर था, मगर आज मैं जान गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। ये कौन है, इसका भी परिचय मैं कराता हूं। ये भी मेरा खून है, यानी मेरा बेटा। तुम तीनों बहनों का ही इकलौता भाई। इस बाप को तुम क्षमा नहीं करोगे? मेरे लिए आपको एक और मदद करनी होगी फादर, जिनका कोई नहीं होता उनकी देखभाल करने वाले आप ही हैं फादर। इस दिव्यांग को भी आप राघवन, हम जो गुनाह करते हैं उसकी सजा हमको ही मिलती है। तू जाके आ, इनकी चिंता तू मत कर। अब एक ही ख्वाहिश है मेरी साहब, वो ये है कि मेरी बेटी ही मुझे हथकड़ी पहनाए साहब।